तो जैरो न्यूज वालों की तरफ से एक ट्वीट निकल कर आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि एक न्यू मर्चेंडाइज रेडी हो चुकी है जो कि WWE रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट के बाद ड्रॉप करने वाली है। अगर आप नीचे देखो तो कोडी रोड्स का जो म्यूजिक होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या ये यहाँ पर ये टीज कर रहे हैं कि जो मर्चेंडाइज होने वाली है वो कोडी रोड्स की होने वाली है एंड वो जीत कर बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन? आपको क्या लगता है कि ये जो न्यू मर्चेंडाइज ड्रॉप कर रही है WWE रेसलमेनिया के बाद वो क्या होने वाली है? इसी के साथ रोमर कोडी रोड्स एंड द रॉक के बारे में बहुत सारी अंदर की बातें पता चली हैं, जो कि आपको जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपका रेसल मस्ती के एपिसोड नंबर 61 में, जो कि रेसलमेनिया से पहले का आखिरी एपिसोड है। तो जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल रोमन रेंस एंड द रॉक जिमी फैलन वाले शो के ऊपर गए थे, जो कि बहुत बड़ा शो होता है अमेरिका के अंदर, एंड वहाँ पर हमें काफी सारी अंदर की बातें जानने को मिली है। और इस शो के ऊपर रोमन रेंस एंड द रॉक अपने जो करेक्टर्स हैं हील वाले, उसको घर पर ही छोड़कर आए थे। सबसे पहले तो कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पर देख लो जो कि इस शो के बैक स्टेज से ली गई हैं। तो सबसे पहले तो रोमन रेंस ने कहा कि भाई कोडी रोड्स एक रॉन्ग बुक को पढ़ रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी स्टोरी से, ये बंदा मेरे पीछे 2 साल से पड़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी ये मेरा घंटा नहीं कुछ कर पाया था और इस साल भी मैं इसको कुछ नहीं करने दूंगा, मैं इसको पूरा तोड़ फोड़ दूंगा इस साल की रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जिमी फैलन जो है वो रोमन रेंस के बचपन की फोटो दिखाते हैं जो कि हल्क हॉगन के साथ थी। देन यहाँ पर रॉक बोलते हैं कि प्रोफेशनल रेसलिंग में 2 बंदे ही नंबर 1 है, एक तो ट्राइबल चीफ एंड दूसरा फाइनल बॉस, और कोडी रोड्स एंड सेथ रॉल्स ने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बाकी ये अपने रेसलमेनिया 40 के जो मैचेस है उनको हाइप भी करते हैं। इस शो से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड करी थी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वहाँ पर आप जाकर फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं कुछ कुछ अपडेट्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ एंड वो यूट्यूब से हटकर होती है। अब बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में, जो कि 1-2 दिन पहले MMA के शो के ऊपर गए हुए थे। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वो रिवील करी है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने। सबसे पहले तो कोडी रोड्स ने बताया कि जब मैं रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस से हारा था, उस टाइम पर जब मैं मैच खत्म होने के बाद अपने घर को जा रहा था, तो भाई मेरा जो घर का रास्ता है वो इतना लंबा लग रहा था मुझे, क्योंकि भाई मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका था एंड बहुत सारे लोग जो है वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई तुमने तो मेन इवेंट किया था, जबकि मेरे लिए मेन इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस मैच को जीतना था। और तो और जो उस मैच का रिजल्ट था वो मुझे एंड मोमेंट पर पता चला था कि मैं इस मैच को हार रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोडी रोड्स का रिएक्शन था वो रियल और एक्चुअल वाला रिएक्शन था जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। साथ ही साथ कोडी रोड्स ने ये भी कहा कि अगर मैं इस साल भी रेसलमेनिया 40 के अंदर हार गया, मैं अपनी स्टोरी को फिनिश ना कर पाया, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई कुछ बचेगा ही नहीं कोडी रोड्स का पूरा जो करेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोडी रोड्स का एंड जो फैंस है वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे कोडी रोड्स के अंदर। एंड यही बात जो है वो सेम रोमन रेंस ने भी कही है कि अगर मैं इस साल की रेसलमेनिया 40 के अंदर हार गया कोडी रोड्स से, तो मैं WWE से क्विट कर लूंगा। मतलब कि यार इन दोनों का जो कैरियर है वो दांव पर लगा है इस साल की रेसलमेनिया के अंदर एंड ये जो मैच है वो कैरियर वर्सेस कैरियर मैच है। और रेसलमेनिया 40 के लिए कोडी रोड्स ने बताया है कि मेरी वाइफ ब्रांडी रोड्स है और साथ ही साथ मामा रोड्स भी आने वाली है जो कि रिंग साइड पर क्राउड के अंदर बैठी हुई होंगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैच है वो इतना बड़ा नहीं है, बल्कि जो स्टोरी लाइन है वो काफी ज्यादा बड़ी है अपने आप में। और इतना मैं आपको भाई श्योरली बता सकता हूँ कि भाई ऐसी स्टोरी लाइन आपको WWE के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो भाई स्टोरी लाइन को बस एंजॉय करो, ऐसा नहीं है कि भाई तुम कोडी रोड्स की साइड हो या फिर रोमन रेंस की साइड हो, तो जितना हो सके मजे लो और एंजॉय करो इस स्टोरी को। आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो पॉल एमन ने अपनी नजर में जो 2 सबसे बड़े एथलीट है उनको रिवील किया है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉल एमन ने रोमन रेंस का ही नाम लिया है, लेकिन दूसरा नाम पता है किसका लिया है? दूसरा नाम लिया है यहाँ पर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। एंड यहाँ पर पॉल एमन ने बताया कि वो एक अंडररेटेड सुपरस्टार है। मतलब यार पहली बार ब्रॉक लेसनर का नाम लिया है पॉल एमन ने जब से ब्रॉक लेसनर का ये जो कांड वाला सीन हुआ है। तो यहाँ से पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर और पॉल एमन की जो यारी दोस्ती है वो कितनी ज्यादा गहरी है। बाकी कल चैनल के ऊपर रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।